नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तारापुर मुंबई ने निकाली रिक्तियां। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तारापुर मुंबई ने साइंटिफिक असिस्टेंट, सेफ्टी सुपरवाइजर, लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के कुल मिलाकर 59 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बीएससी, बीकॉम 50% के साथ इंजीनियरिंग में 10+2 डिप्लोमा, स्नातक तक 4 साल तक का अनुभव होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर साइंस में बेसिक डिप्लोमा और स्टेनोग्राफी का ज्ञान भी आवश्यक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 फरवरी तक npcilcareers.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं। किन्नरों को मिलेगा पुलिस की नौकरी में आरक्षण। पटना हाई कोर्ट ने किन्नरों को सामाजिक न्याय दिलाने वाली एक याचिका का निष्पादन कर दिया है। इसके अनुसार हर जिले में पुलिस बल में एक ऑफिसर और 4 कांस्टेबल के पदों पर किन्नरों को नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार ने किन्नरों की जनसंख्या के आधार पर कोटा तय कर दिया है। इनकी आबादी अधिक होने पर स्क्वाड और प्लाटून के रूप में भी इन्हें बहाल किया जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में किन्नरों की संख्या कुल आबादी का 0.039% ही है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की बिहार पुलिस में नियुक्ति का संकल्प पत्र 18 दिन पहले ही जारी कर दिया है। सिपाही और एएसआई के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए सामान्य वर्ग की तरह ही इनके लिए भी 2 अथॉरिटी होंगे। प्रत्येक 500 पदों पर एक पद किन्नरों के लिए आरक्षित होगा। डीएलएड नहीं करने वाले 12,192 नियोजित शिक्षकों को मिली राहत। सूबे के 12,192 नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने हटाए जाने पर रोक लगा दी है। दरअसल इन शिक्षकों ने 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किया था और इंटर में 50% से कम मार्क्स लाए थे, इसलिए इन्हें शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशक द्वारा हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही थी। आपको बता दें कि ये नियोजित शिक्षक डीएलएड की परीक्षा पास कर गए थे, लेकिन इंटर में 45% से कम अंक आने के कारण इनकी डीएलएड की योग्यता पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे में उन्हें हटाया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इन नियोजित शिक्षकों को हटाए जाने पर रोक लगाकर इन्हें राहत दे दी है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 6 फरवरी से होगा शुरू। राज्य में पहले चरण के वैक्सीनेशन के बाद अब 6 फरवरी को दूसरे चरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। इस चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन दिया जाना है। स्वास्थ्य विभाग ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि को 25 जनवरी से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दिया है, यानी कि 7 फरवरी तक टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां पहले चरण का वैक्सीनेशन 10 फरवरी तक होना था, उसे घटाकर 5 फरवरी कर दिया है। ये बदलाव हेल्थ वर्कर्स की कोरोना टीका लेने की धीमी रफ्तार को देखते हुए किया गया है। आपको बता दें कि अब तक 1,99,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें 1,65,000 पुलिसकर्मी हैं। इसके अलावा मिलिट्री, आर्म्ड फोर्स, होमगार्ड, गृहकारा, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, राजस्व कर्मी और नगर निकाय के सफाई कर्मी को दूसरे चरण में वैक्सीन दी जानी है। फिर महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। ऑयल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रूपए की बढ़ोतरी की है। इस महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत में बदलाव की गई है। रसोई गैस के लिए लोगों को अब 25 रूपए अधिक देने होंगे। बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस की कीमत अब 817.50 रूपए हो गई है, जबकि पहले यह कीमत 792.50 रूपए थी। वहीं 19 किलो के सिलेंडर की कीमत को पहले 1 फरवरी को बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसमें 6 रूपए घटाए गए हैं। 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 1726 रूपए हो गई है। साथ ही 5 किलो वाले डोमेस्टिक सिलेंडर अब 294 की जगह 303 रूपए में मिलेगी। ये नई कीमत आज से लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल ने अपने एलपीजी ग्राहकों को सिलेंडर भराने के लिए मिस्ड कॉल की भी सुविधा दी है। अब देश में कहीं से भी एक मिस्ड कॉल पर एलपीजी की रिफिल और बुकिंग करा सकते हैं। शहरी निकाय में 5,500 पदों पर होगी बहाली। सूबे में 117 नए शहरी निकाय बनने से करीब 5,500 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इनमें एग्जीक्यूटिव अफसर, सिटी मैनेजर, लिपिक संवर्ग, सफाई से जुड़े पद जिसमें सुपरवाइजर से लेकर सफाई कर्मी तक के पदों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग खाका तैयार कर रहा है। सभी पदों पर जितने भी लोगों की जरूरत होगी उसके अनुसार प्रारूप को तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद मंत्रिपरिषद से स्वीकृति ली जाएगी। इनमें से कुछ पदों पर संविदा पर भी बहाली होनी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 160 नए नगर निकायों के गठन और क्षेत्र विस्तार की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए विभिन्न पदों पर जल्द ही भर्ती ली।
टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने टैक्स नहीं भरने वाले राज्य के 4.25 लाख वाहन मालिकों पर नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। टैक्स जमा नहीं करने के कारण इन वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा गया है। इन वाहन मालिकों के यहाँ टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए बकाया है। नोटिस मिलने के 21 दिनों के अंदर वाहन मालिकों को उसका जवाब देना होगा। जवाब नहीं देने पर आगे उन पर मुकदमा दायर किया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे अधिक टैक्स डिफॉल्टरों की संख्या पटना जिले में है। नियम के अनुसार टैक्स जमा नहीं करने पर वाहन मालिकों की गाड़ियों को नीलाम भी किया जा सकता है। 19 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल का सत्र। आगामी 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री सीएम नीतीश कुमार के विभागों का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा इसकी जिम्मेदारी विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी को दी गई है। दोनों ही मंत्रियों को इसके लिए पत्र भेजा गया है। विधानमंडल के इस सत्र में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग से संबंधित सवालों का जवाब सदन में देंगे, तो वहीं ग्रामीण कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी और निर्वाचन विभाग का जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। पैक्स चुनाव के 2 दिन बाद भी हो सकती है मतगणना। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि विशेष परिस्थिति में पैक्स चुनाव की मतगणना की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। 15 फरवरी को 37 जिलों में पैक्स का चुनाव होने वाला है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान की तारीख 15 फरवरी को हर हाल में मतदान के बाद ही मतगणना कराना है, लेकिन अगर किसी जिले में विशेष परिस्थिति आ जाए तो मतगणना की तारीख 18 फरवरी तक टाली जा सकती है। निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 20 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 1,500 वैसे पैक्सों का चुनाव हो रहा है जहां आम चुनाव के समय मतदान नहीं हो सका था। शेखपुरा जिले को छोड़कर 37 जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं। डीएलएड का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष और सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी कर दिया है। दोनों सत्र से कुल 54,494 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 46,028 परीक्षार्थी पास हुए हैं। दोनों सत्र के परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद पेज खुलने पर अपना रोल कोड और रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि नए सिलेबस के आधार पर यह पहला सत्र था जिसका रिजल्ट बीएसईबी ने बुधवार को जारी किया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया कृषि बिल का समर्थन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए नए कृषि बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये तीनों बिल कहीं से किसान विरोधी नहीं है। किसान आंदोलन को बिहार के चंपारण आंदोलन या फिर खेरा या फिर बारदोली आंदोलन से तुलना किया जाना बेवकूफी है। नए कृषि कानून में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें किसानों को लगान देने या फिर जबरदस्ती खेती करवाने का जिक्र किया गया हो। यह बिल किसानों के हितों को लेकर बनाया गया है। आरसीपीसी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में मंडी परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ करता था। बिहार में हमारी सरकार आते ही एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया गया जिससे बिहार में अन्न के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई। आपदा प्रबंधन के लिए बिहार को मिलेगी 4 गुना अधिक राशि। अगले 5 सालों में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए केंद्र की तरफ से बिहार को 7,824 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसकी जानकारी पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि प्रावधानित राशि को राज्य आपदा मोचन कोष के तहत 80% जबकि आपदा प्रबंधन निधि के तहत 20% राशि खर्च की जाएगी। राज्य को पहले की तरह ही 25% राज्यांश के तौर पर खर्च करने होंगे। इसके साथ ही एसडीआरएफ की 80% राशि में 40% प्रतिक्रिया व राहत, 30% बचाव तथा 10% की राशि तैयारी एवं क्षमता निर्माण पर खर्च की जाएगी। तेज प्रताप यादव ने फिर दिखाया अपना अलग अंदाज। सोशल मीडिया पर इन दिनों फिर से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। इस बार तेज प्रताप यादव बैटरी से चलने वाले साइकिल से वृंदावन की परिक्रमा करते हुए नजर आए। उन्हें साइकिल से गुजरता देख लोग हैरान हो गए। तेज प्रताप यादव पीली धोती, बगलबंदी और गले में शॉल डालकर ब्रजवासी के रूप में थे। आपको बता दें कि कृष्ण की भक्ति में तेज प्रताप यादव अक्सर ही देखे जाते हैं। वे अक्सर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर आया करते हैं। मंदिर के सेवायत ज्ञानेन्द्र गोस्वामी से इनका गुरु शिष्य का संबंध भी है। जानकारी हो कि तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक है। ग्रेटर थनबर्ग
के किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए ट्वीट पर कंगना ने दिया बयान। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए अपने विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया है। ट्वीट डिलीट करने के बाद कंगना रनौत ने ग्रेटा पर जुबानी हमला बोला है। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि इस बेवकूफ लड़की ने लेफ्ट वालों के लिए सबसे बड़ी गलती कर दी है। भारत को अस्थिर करने के उनके इंटरनेशनल प्लान को ट्वीट कर दिया है जो कॉन्फिडेंशियल रहा है। सब पप्पू एक ही टीम में है। दरअसल ग्रेटा ने ट्विटर हैंडल पर एक गूगल डॉक्यूमेंट फाइल शेयर की थी जिसमें किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया कैंपेन का शेड्यूल शेयर किया था। इस ट्वीट से भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कार्य योजना बनाई गई थी। ट्वीट के जरिए लोगों को प्रोटेस्ट में भाग लेने और संबंधित फोटो और वीडियोस को हैशटैग के साथ शेयर करने की अपील की गई थी, जिसके बाद ग्रेटा बुधवार को दिन भर ट्विटर पर ट्रॉल होती रही। बाद में ग्रेटा ने अपनी गलती मानते हुए अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। कोहली और रहाणे ने विदेशी हस्तियों के ट्वीट का करारा जवाब दिया। किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पे कई विदेशी हस्ती ट्वीट कर रहे हैं। वहीं भारत की जमीन पर इंग्लैंड के साथ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 5 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इस बीच भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने ट्विटर के जरिए लोगों से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। विराट ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस मतभेद के समय में हम सबको साथ में मिलकर रहने की जरूरत है। किसान हमारे देश के अभिन्न हिस्सा है। मुझे भरोसा है कि इस मुद्दे पर जल्द ही हल निकलेगा और हम शांति से एक साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं अजिंक्य रहाणे ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर हम एक साथ खड़े रहे तो हर मसलों को सुलझाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार DL8 की पूरी योग्यता नहीं रखने वाले नियोजित शिक्षकों को बहाल करने के हाईकोर्ट के फैसले से आप सहमत हैं या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।